प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे अधीरा के लुक के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुआ है फिल्म KGF चैप्टर 2 से। तो स्टार्ट करने से पहले आज हमारे बॉलीवुड के सबसे चहीते संजय दत्त का जन्मदिन है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे संजय दत्त। आप ऐसे ही हमें आने वाले 100 सालों तक एंटरटेन करते रहें। दोस्तों, आज अधीरा का यानी कि संजय दत्त का लुक सामने आ गया है फिल्म KGF चैप्टर 2 से और पोस्टर आप लोगों के सामने है। दोस्तों, पिछले काफी समय से फैंस KGF सीरीज की दूसरी फिल्म यानी कि KGF 2 का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पहले ही आउट कर दिया गया था। अब संजय दत्त के बर्थडे के दिन उनके कैरेक्टर का एक पोस्टर रिलीज किया गया है। संजय दत्त फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर अधीरा का किरदार निभा रहे हैं और उनका लुक बेहद खतरनाक है। इस पोस्टर में संजय दत्त कवच पहने हुए हैं, सिर पर टैटू और लंबी पोनी टेल। इस लुक के साथ संजय दत्त बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। संजय के हाथ में एक हथियार भी है और ऐसा लग रहा है कि ये उनकी तलवार है, क्योंकि इससे पहले जो पोस्टर सामने आया था उसमें तलवार थी। दोस्तों, कितने खतरनाक दिख रहे हैं संजय दत्त इस लुक में ना। दोस्तों, इस लुक को देखने के बाद कई सारे सवाल मन में आते हैं कि ऐसे लुक की शुरुआत कहां से हुई थी। कौन सा बॉलीवुड का ऐसा विलन था जिसने लगभग सेम लुक को अपनाया था अपनी फिल्म में, और क्या होता है जब विलन्स लंबे बालों के साथ ऑन स्क्रीन पर आते हैं। दोस्तों, संजय दत्त ने बहुत से विलन्स के रोल प्ले किए हैं, लेकिन जब वो लंबे बाल के साथ पर्दे पर आए हैं, धमाल ही मचाया है। अब वो चाहे हीरो के कैरेक्टर में हो या फिर विलन्स के। और आप लोगों को पहली फिल्म याद होगी ही खलनायक, उसमें संजय दत्त ने पहली बार बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखे थे। वो हेयर स्टाइल, वो लुक उन पर बहुत जम रहा था। और ये जो आप पोनी टेल देख रहे हैं, ये लुक को और शानदार बनाता है। लेकिन दोस्तों, इस पोनी टेल की शुरुआत हुई थी विलन्स के देवता अमरीश पुरी से। उन्होंने हमें बहुत से विलन्स के कैरेक्टर दिए, और अगर आप लोगों को उनकी फिल्म तहलका याद होगी तो उसमें अमरीश पुरी ने पहली बार अपने सर पे टैटू और बालों की पोनी टेल बनाई थी। हैव अ लुक। ओके, सिर्फ यही नहीं बल्कि लोहा फिल्म अगर आप लोगों को याद होगी तो उसमें संजय दत्त की तरह ही कुछ लुक था अमरीश पुरी का। हैव अ लुक। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो मगर जिंदा। ओके दोस्तों, जितने भी विलन्स लंबे बाल या पोनी टेल के साथ आए ऑन स्क्रीन पर, उनका ऑन स्क्रीन हमेशा दबदबा बना रहा, वो भी उनके लुक की वजह से। अब ऐसे में शाहरुख खान के फिल्म डॉन 2 को कैसे भूल सकते हैं, और साथ ही हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। याद है ये किस फिल्म का डायलॉग है और किसने बोला था? जी हां, पद्मावत फिल्म का है और रणवीर सिंह का ये डायलॉग है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे सिर्फ एक पोनी टेल की वजह से या फिर लंबे बालों की वजह से कैरेक्टर का पूरा लुक बदल जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे कि बाकी के कैरेक्टर हिट हुए और फिल्मों को एक नया मुकाम देने में कामयाब रहे, तो हमें 100% यकीन है कि ये अधीरा का लुक आने वाले कई सालों तक के लिए यादगार रहेगा और फिल्म को सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से और इस लुक की वजह से बहुत हाइप मिलने वाली है। दोस्तों, आज विलन्स की बात हो रही है और आज जन्मदिन है संजय दत्त का, तो इसी मौके पर उनकी कुछ फिल्मों को याद करते हैं जिसमें उन्होंने विलन्स का रोल प्ले किया। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में संजय दत्त से अच्छा विलन का रोल प्ले कोई नहीं कर सकता। वो कैरेक्टर में ढलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उनकी पहली विलन वाली फिल्म खलनायक तो याद होगी। नायक नहीं, संजय दत्त के जीवन की यादगार फिल्म थी। ना सिर्फ इसलिए कि इसमें उन्होंने खलनायक का रोल निभाया था, बल्कि इसलिए भी कि इसी साल मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में, जिसमें 250 लोग मारे गए थे, उसमें अंडरवर्ल्ड से संबंध और घर में AK-56 राइफल रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। और इसीलिए नायक नहीं खलनायक हूं मैं ये सॉन्ग सही मायने में संजय दत्त पर फिट बैठा था।
लेकिन एक हीरो की इमेज उतार कर एक विलेन का किरदार निभाना संजय दत्त के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। इस फिल्म में संजय दत्त बल्लू के किरदार में दिखे थे, जिसे सिस्टम ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। उनका लुक बेहद खतरनाक था, सिर्फ लंबे बालों के जरिए वो अपने लुक में खलनायक की झलक में आए थे। फिल्म में उनके काम की बहुत तारीफ की गई थी। फिल्म खलनायक में उनके कैरेक्टर का नाम था बल्लू, और आपको बता दूं कि सिर्फ उस एक कैरेक्टर की वजह से फिल्म 1993 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। उसके बाद देखे तो माथे पर लंबा सा तिलक, लंबा कुर्ता, गले में सोने की चैन और हाथ में बंदूक, ये था रघु, जो फिल्म वास्तव का हीरो नहीं बल्कि विलन था। नेगेटिव रोल में रघु के रूप में संजय दत्त ने अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवाया था। संजय दत्त को वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसमें संजय दत्त का लुक काफी क्लीन था, लेकिन बहुत ही डरावना। फिल्म वास्तव दी रियलिटी में उन्होंने कैरेक्टर जो प्ले किया था, OMG, मतलब कि रोंगटे खड़े करने वाला था। इस फिल्म के कैरेक्टर को सभी ने अप्रिशिएट किया था, अब वो चाहे क्रिटिक्स हो या फिर ऑडियंस। ये फिल्म उस साल की 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। उसके बाद ₹2004 में आई फिल्म मुसाफिर में बिल्ला का किरदार निभाने वाले संजय दत्त ने इस फिल्म में भी अपनी दाढ़ी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुंह में सिगार और बाइक चलाते हुए संजय दत्त ने इस फिल्म में भी शानदार काम किया था। फिर आई 2012 में अग्निपथ। तुझे देखकर किसी की याद आती है, किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। 2012 में फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त ने कांचा चीना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने इस तरह की अदाकारी की थी कि लोगों को उस किरदार से नफरत हो गई थी। अब तक के नेगेटिव किरदारों में संजय दत्त की एक पॉजिटिव इमेज भी दिखाई देती थी, लेकिन अग्निपथ फिल्म में संजय दत्त सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक बने थे। फिल्म में उनका लुक इतना खतरनाक था कि उनके किरदार से वो मैच भी करता था। उन्होंने किरदार को खतरनाक बनाने के लिए अपनी भौंवे हटा दी, सर पर से बाल हटा दिए, यहाँ तक कि वेट गेन किया, और नतीजा आपके सामने था, कांचा चीना। दोस्तों, संजय दत्त वो अभिनेता हैं जो बॉलीवुड के हीरो और विलन दोनों किरदार बखूबी निभाते हैं। विलन का किरदार भी इस तरह जीते हैं कि लोगों को नफरत हो जाए। जिन आंखों से मासूमियत झलकती हो, उन्हीं आंखों से संजय दत्त नफरत भी बखूबी झलकाते हैं। जैसे कि उनकी फिल्म पानीपत, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, फिल्म में उनका लुक OMG वाला था, और जब जब वो सामने आते थे किसी के, वो सबको डुबा डुबा के मारते थे एक्टिंग में। दोस्तों, संजय दत्त पिछले 38 सालों से बॉलीवुड के चहेते बने हुए हैं। अपने करियर की शुरुआत फिल्म रॉकी से करने वाले संजय बेहद मासूम और चॉकलेटी कहे जाते थे, उनके आंखों से मासूमियत झलकती थी। लेकिन पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ संजय दत्त ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शान से खुद को खलनायक कहा। कह सकते हैं कि संजय दत्त एक सफल हीरो के साथ साथ एक सफल विलन भी रहे हैं, और संजय दत्त की फिल्मों की सबसे खास बात यह रही है कि उनके काम की तारीफ जितनी हीरो बनकर नहीं हुई, उतनी विलन बनकर हुई है। और मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी हीरो नहीं है जो हीरो के साथ साथ विलन्स के भी रोल प्ले कर सके। ये क्वालिटी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में होती है। वेल फ्रेंड्स, हमें इंतजार 23 अक्टूबर का, जब ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक डेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है और हम इसी डेट को लेकर चलेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि ये फिल्म कई लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, विच इज फैंटास्टिक। दोस्तों, अगर गलती से कोई भूला बिसरा कैरेक्टर मैं मिस कर गया हूं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिला सकते हैं ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपका फेवरेट हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊं तो उन कैरेक्टर्स को जरूर शामिल करूं अपनी वीडियोस में। और आप लोगों को ये लुक संजय दत्त का, अधीरा का लुक कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हैं और इस फिल्म के लिए, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।